दोस्तों इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूजीसी की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में, जिसमें मेंशन किया गया है कि 4 साल का ग्रेजुएशन तो सीधे आप पीएचडी कर सकेंगे। जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले ही यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन आया था, जिसकी आवेदन की प्रक्रिया ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। बेसिकली यूजीसी नेट एग्जामिनेशन कंडक्ट इसलिए किया जाता है कि जो भी स्टूडेंट उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करता है तो वो यूनिवर्सिटी कॉलेज में वो असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी पा सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं और जेआरएफ फेलोशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने एक पॉइंट ऐड किया है कि जो भी स्टूडेंट 4 साल के डिग्री कोर्सेज कर रहे हैं, ये वो फाइनल सेमेस्टर में है, तो वो भी स्टूडेंट अब पीएचडी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनकी कंडीशन ये है कि उनका जो ओवरऑल स्कोर है वो 75% या उससे ऊपर होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट जो भी सीजीपीए है होना चाहिए। इसमें कंडीशन ये भी है कि स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट में चाहते हैं उस सब्जेक्ट में पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एग्ज़ाम दे सकते हैं। वो इससे मतलब नहीं है कि उन्होंने कोर्स या अपने उन्होंने 4 साल का जो डिग्री है वो किस सब्जेक्ट में कर रहा है। ऐसा नहीं है कि जो अगर कोई बच्चा है वो इंजीनियरिंग का 4 साल का कोर्स कर रहा है तो पीएचडी के लिए या नेट एग्ज़ाम में वो इंजीनियरिंग का ही सब्जेक्ट भर सकता है। अगर उसे मैनेजमेंट का सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना तो उसके लिए भी वो जा सकता है। तो यहाँ से एक कंडीशन हटा दी गई है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा जिस सब्जेक्ट में 4 साल का यूजी कोर्स कर रहा उसी में वो नेट का एग्ज़ाम देगा। इसके अलावा यूजीसी ने इस बार जो भी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है उसमें 3 कैटेगरी डिवाइड की है। पहली कैटेगरी में वो कैंडिडेट होंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी और जेआरएफ के लिए एलिजिबल होंगे। दूसरी कैटेगरी के वो स्टूडेंट होंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे। तीसरी कैटेगरी में वो कैंडिडेट होंगे जो कि सिर्फ पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे। तो जो हमारी दूसरी और तीसरी कैटेगरी है उसके जो भी कैंडिडेट होंगे उनका इंटरव्यू के बेसिस पे असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी या पीएचडी में उनको एडमिशन लगेगा। जो भी ये स्कोर नेट का स्कोर है वो बेसिकली 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। और जैसा कि आपको पता है कि यूजीसी साल में 2 बार नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, एक जून में और एक जनरली दिसंबर और जनवरी में होता है। और यूजीसी का मेन मानना है कि एनएपी 2020 को कंसिडर करते हुए वो वन नेशनल इंटरेस्ट टेस्ट एग्जामिनेशन की प्लानिंग कर रहे हैं और उनका मेन मकसद ये है कि बहुत से यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से शिकायत आती है कि जो भी पीएचडी के एडमिशन की प्रोसीजर है वो फेयर नहीं है। तो उसको अवॉइड करने के लिए, चीज़ों को और सही करने के लिए यूजीसी ने एक कंसेप्ट निकाला है कि कोई भी यूनिवर्सिटी वो अपना यूजीसी का एंट्रेंस पीएचडी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं लेगी। हर बच्चा, हर कैंडिडेट जो भी पीएचडी करना चाहता है उनको पहले यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में अपीयर होगा और अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वो किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। और उनका जो नेट स्कोर है वो डिसाइड करेगा कि वो फेलोशिप के लिए या जेआरएफ के लिए एलिजिबल है या नहीं है या वो सिर्फ पीएचडी के लिए एलिजिबल है। तो सारी चीज़ें उस नेट के स्कोर पर डिसाइड होगा। तो बेसिकली इस नोटिफिकेशन का मेनली समरी यही था कि अब जो भी बच्चा 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स कर रहा है वो एलिजिबल है पीएचडी के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।